हेलो फ्रेंड्स, मैं अमिता। मेरे यूट्यूब चैनल अमिताज किचन कुछ मीठा कुछ नमकीन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, दिवाली आ रही है तो उसी सीरीज में हमें काफ़ी स्नैक्स घर पे लाके रखने पड़ते हैं, मार्केट से कुछ घर बनाने पड़ते हैं। तो मैंने कहा कुछ ऐसे हेल्दी स्नैक्स बनाती हूँ जो आप किसी के आगे रखें तो वो सोचेगा नहीं कि खाने से पहले फटाफट खाएगा। तो इसी सीरीज में दो मैं आपके लिए लेके आई हूँ, एक मीठा एक नमकीन। जैसे मेरे चैनल का नाम है ना, कुछ मीठा कुछ नमकीन, उसी तरह एक मैं आपके लिए लेके आई हूँ कैरमलाइज्ड मखाना और दूसरा चिली मिंट मखाना की रेसिपी। देखिए आप ये बनाइएगा, दोनों बना के रखिएगा और देखिएगा जो भी आएगा वो यही खाना पसंद करेगा, मीठे में कैरामेलाइज और नमकीन खाएंगे तो वो वाले खाएंगे मिंट मखाना। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। दोनों ही तरीके के मखाने की रेसिपीज में हमको सबसे पहले करना क्या है, हम मखाने रोस्ट करके रख लेंगे जिससे हमें बार बार ना करना पड़े। हम अराउंड देखिए 2 टेबल स्पून के करीब थोड़ा सा ऑयल ले लेंगे। मैं यहाँ देसी घी यूज़ कर रही हूँ, आप जो भी घी डालना चाहें वो डाल सकते हैं। और उसके बाद ये मैंने 150 ग्राम मखाने लिए। देखिए अब हमें इनको स्लो फ्लेम पे हल्के हल्के हमने हिलाते हुए इसको रोस्ट करना है जिससे कि ये काफ़ी अच्छे से क्रिस्प हो जाए। अभी तो देखिए मखाना मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए ना कोई आवाज़ आती है, ऐसे टूट जाता है। अब हमने इसको क्रिस्पी करना है, अच्छे से भूनना है। कई लोग डीप फ्राई करते हैं, बिल्कुल नहीं, इसमें घी बहुत चला जाता है, तेल बहुत चला जाता है। तो हमने इसको स्लो फ्लेम पे ही, स्लो टू मीडियम भी कर सकते हैं आप, तो हल्का हल्का इसको भूनना है। चलिए हम 2 मिनट तो इसको हल्का हल्का इसी तरीके से हिलाते रहेंगे, ऊपर नीचे ज़रूर करते रहिएगा मखानों को, नहीं तो नीचे वाले ज़्यादा हो जाएंगे, रोस्ट हो जाएंगे, ऊपर वाले कच्चे ही रह जाएंगे। चलिए अब हम इस तरीके से इनको मखानों को 2 मिनट करते हैं, फिर चेक करते हैं कि हमारे हुए हैं कि नहीं हुए। देखिए 2 मिनट हो गए इनको भूनते हुए, हल्के हल्के मैं ऊपर नीचे करती जा रही हूँ जो बराबर एक जैसे भुन जाए सारे मखाने। और अभी भी नहीं, इनको पूरा अच्छे से क्रिस्प करना है। तो देखिए अभी इसको 2 मिनट और लगेंगे, अराउंड 4 से 5 मिनट लग जाते हैं मखानों को भूनने में। इसीलिए आपने जितने बनाने एक बार ही भून के रख लीजिए, उसके बाद जैसे जैसे जो बनाने हैं आप बना लीजिए। ज़्यादा भूनने हैं तो आप कोई बड़ा कढ़ाई या पैन ले सकते हैं मखाने। चलिए अब हम इसको 2 मिनट के लिए और अच्छे से इसी तरीके से कर लेते हैं। देखिए 2 मिनट मैंने और कर लिया, अब आप मखानों को देख पा रहे होंगे, ये देखिए इसका कलर, ये देखिए हल्के हल्के कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया है, लाइट ब्राउन से होने लगे हैं मखाने। तो अब हमने इसको लगभग होने लगे हैं और हम अराउंड अभी 1 मिनट और कर लेंगे, पर कंटिन्यूसली स्टिर करते रहिएगा। ये होगा कि नहीं तो नीचे वाले जलने लग जाएंगे और ऊपर वाले कच्चे रह जाएंगे, तो बस हिलाते रहना है आपने। अब इसको टोटल समझ लीजिए हमने 5 मिनट के लिए करना है। तो चलिए बस अब हम 1 मिनट और कर लेते हैं, फिर हमारे अच्छे से ये फ्राई हो जाएंगे। देखिए मैंने 1 मिनट और भून लिया है, अब हमारे मखाने बहुत अच्छे से हो गए हैं। चलिए मैं आपको दिखा भी देती हूँ, ये देखिए बहुत अच्छे से मखाने हमारे भुन गए हैं। टोटल 5 मिनट इनको मैंने करा है, फ्राई करा है, वो भी स्लो फ्लेम पे या स्लो टू मीडियम पे करिएगा, ज़्यादा हाई फ्लेम पे मत करिएगा, मखाने जल जाएंगे। तो चलिए अब हम इनको गैस ऑफ कर देनी है और इसको हम 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, इनको ठंडा होने देंगे मखानों को। जब ठंडा हो जाता है तो चलिए अब हम मखानों से एक मीठी और एक नमकीन रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे मखाने ठंडे हो गए, हम इनको वापस किसी बाउल में निकाल देते हैं सारे, और उसके बाद हम पहले बनाएंगे कैरामलाइज्ड मखाना। तो चलिए सारे हम निकाल देते हैं बाउल में, उसके बाद हम शुरू करते हैं कैरामलाइज्ड मखाना बनाना शुरू करते हैं। कैरामलाइज्ड मखाना बनाने के लिए देखिए मैंने पैन लिया है, मैंने इसमें 1 कप भर के जागरी पाउडर डाला है। आप चाहें तो जागरी गुड़ भी यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उसको आप गुड़ भी यूज़ कर लीजिए, पर उसमें शुरू से थोड़ा सा पानी डाल के उसको मेल्ट कर लीजिए पहले। जागरी पाउडर है तो इजी हो जाता है, इसमें मैं डालूँगी अराउंड, समझ लीजिए 2 टीस्पून अराउंड पानी डालूँगी, और इसको स्लो फ्लेम पे हमने इसको थोड़ा सा मेल्ट करना है जागरी को, जागरी पाउडर को। अगर जागरी गुड़ है बड़े तो उसको भी आप तोड़ लीजिए अच्छे से, उसके बाद उसको आप यूज़ कर सकते हैं। इस
इसको हमने कैरमलाइज करना है। स्लो फ्लेम पे करना है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा, इसको हाई फ्लेम पे बिल्कुल भी मत करिएगा। और इस टाइम पे हम इसमें डालेंगे अराउंड 1/4 घी, जो भी आप यूज कर रहे हैं वो घी डालिएगा। इसको स्लो फ्लेम पे हमने करना है, ये अच्छे से मेल्ट हो जाए। ये देखिए, देखिए 1 मिनट हो गया है, लगभग होने लगा है। इस टाइम पे हमने इसमें डाल लेना है थोड़ा सा, मैं आपको बताऊं, समझिए 1 चुटकी इसमें हम डालेंगे सॉल्ट, 1 चुटकी डालना है। तो देखिए हमारा पा जागरी बिल्कुल पाउडर अच्छे से मेल्ट हो जाए तभी हमने मखाने डालने हैं, उससे पहले बिल्कुल भी नहीं डालने हैं। देखिए अभी बीच बीच में थोड़ा सा दाना दिखाई दे रहा है हमें, इसको ये दबा लेते हैं। ये देखिए बीच बीच में अभी है, पूरे अच्छे से मेल्ट नहीं हुआ है। देखिए ऊपर बबल्स आने लग जाते हैं, डैट मीन्स ये होने वाला है। ये देखिए बबल्स आने स्टार्ट हो रहे हैं। ये देखिए इस टाइम पे हम इसमें डाल देते हैं ये मखाने, हाफ मखाने डालेंगे। गैस को स्लो फ्लेम पे रखेंगे, हम दोनों के लिए आधे आधे करीब यूज़ कर रहे हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक बारी। सब स्लो फ्लेम पे चल रहा है, मीडियम फ्लेम पे भी नहीं करना है, इसको ऐसे हिलाना है कि अच्छे से ये मिक्स सारा लग जाए इसके ऊपर, मखानों के ऊपर जागरी लग जाए। देखिए अब हमारा ये देखिए अच्छे से हो गया। इस टाइम पे हमने इसमें डालना है अच्छे से, देखिए ये देखिए रोस्टेड सेसमे सीड्स, ये मैं अराउंड डालूंगी इस पे 2 टेबलस्पून भर के। अब हमने इसको भी अच्छे से मिक्स कर देना है। बस अच्छे से सेसमे सीड्स लग जाए ऊपर से। ये देखिए बस ये हमारा हो गया है। अब इस टाइम पे हम गैस बंद कर देंगे, और इसके बाद भी हम गैस बंद करने के बाद भी ये बहुत गर्म हो जाता है गुड़ बहुत अच्छे से, इसको तो फिर हम 2 मिनट इसके बाद भी हम इस तरीके से हिलाते रहेंगे जब तक ये टेम्परेचर इसका थोड़ा सा कम ना हो जाए। चलिए हम इसको कंटिन्यूसली थोड़ा सा धीरे धीरे हिलाते रहते हैं, नहीं नीचे से लग जाएगा गुड़ तो एक स्मेल आ जाएगी। देखिए मैंने इसको हिला लिया था कंटिन्यूसली थोड़ी देर कि जिससे नीचे लगे ना। अब हमने इनको शिफ्ट करना है एक प्लेट में। देखिए मैं इसको सारे मखाने इसमें डाल दूंगी। अच्छे से फैला देंगे। देखिए इस तरीके से हम इसको अच्छे से, अगर चिपकेंगे आपस में तो कोई दिक्कत नहीं, वो बाद में सब निकल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरीके से देखिए हम इस छुड़ा लेंगे, जो पैन में सेसमे सीड्स रह गए थोड़े से लगाए उनको भी निकाल के हम इनके ऊपर ही डाल देंगे। चलिए ये तो हमारा बन गया, इसको हम ठंडा होने रख देते। ये देखिए ये हमारा बन गया, इसको फैला दिया। चलिए अब हम दूसरे मखाने बना देते हैं। वो बनाने जा रहे हैं हम नमकीन चिली मिंट मखाना, तो चलिए अब हम बनाते हैं चिली मिंट मखाना और इनको साइड में रख देते हैं, तब तक ये ठंडे भी हो जाएंगे फिर मैं आपको दिखाऊंगी इनको। चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं चिली मिंट मखाना। तो इसके लिए देखिए मैंने गैस ऑन कर ली है, इसके बाद फिर हम इसमें अराउंड थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। आप एक बात का ध्यान रखिएगा, जनरली आप लोग क्या करते हैं कि मखाने भुनने के बाद ऊपर से मसाले डालते हैं। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, अगर आप ऊपर से डालेंगे ना
तो वो चिपकते नहीं है मसाले मखाने में। तो आपको मखाने में मसाला इसी टाइम पे डालना है घी के साथ। इसके लिए देखिए, आपने नाम से ही समझ रहे होंगे, देखिए सबसे पहले तो हम इसमें डालेंगे सॉल्ट अराउंड मखाना। आप सॉल्ट टू टेस्ट है, मैंने 1/4 टीस्पून अराउंड मखाना डाल जाएगा इजिली। अब इसके बाद डालना है हमने 1 स्पून भर के टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे हम इसमें। और ये देखिए मिंट मसाला है, ये मैं मिंट ना सुखा के उसकी पत्तियां पुदीने की उसको पीस के रखती हूँ, तो इसको हमने पीसना है। ये भी इसमें डाल देंगे अराउंड 1 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टीस्पून मिंट पाउडर और नमक डाला है हमने अभी तक। अब इसके बाद हम इसको हिला लेते हैं कि इस बार अब हम इसको अच्छे से हिला लेते हैं, जो घी से घी में ये मसाले इसको ऑयल को ऐड कर लेते हैं। ऑयल ज़्यादा नहीं डाला है ना हमने, मैं थोड़ा सा देखिए मैं ऑयल और डालूंगी क्योंकि इसमें मसाले अच्छे से हो नहीं पा रहे, बहुत ज़रा सा डाला है मैंने, मैं घी ही यूज़ कर रही हूँ। और इसके बाद हमारा बचा है चाट मसाला, 1/4 स्पून अराउंड मैंने चाट मसाला डाला है टीस्पून। अब इसको हमने देखिए अच्छे से मिक्स कर लिया है, देखिए अब हम इस पे डाल देंगे ये मखाने, अब हम इसको अच्छे से हिला लेंगे। देखिए मैं तो उतने जितने मखाने बताए थे उसी से बता रही हूँ, आप चाहे तो मखाने और भून के ये भी ज़्यादा बना लीजिएगा, कैरमलाइज मखाने भी आप ज़्यादा बना सकते हैं। मखाने तो देखिए हमारे ऑलरेडी रोस्टेड हैं, तो हमने इसमें अब ज़्यादा नहीं करना है, बस इतना करना है कि देखिए आप एक चीज़ नोटिस करेंगे इसमें मसाला कितने अच्छे से देखिए चिपक रहा है। बस हमने हिलाना है कि सब मखानों में अच्छे से मसाला जो है वो चिपक जाए। इसको हम अच्छे से 1 मिनट हिला लेते हैं, देखिए अच्छे से मिक्स हो गया हमारे। अब एक काम आप और कर सकते हैं कि थोड़ा सा और अच्छे से मिक्स करने हैं तो ये थोड़े से या तो ठंडे हो जाएं, तो इसको आप इस तरीके से थोड़े से गर्म हो रहे, आप हाथ का इस्तेमाल भी कर लीजिएगा क्योंकि उससे बहुत अच्छे से जो बचे हुए हैं, देखिए आप एक चीज़ नोटिस करोगे मखानों के ऊपर मसाला सारा चिपक गया है। अगर आप मखाने रोस्ट करके ऊपर से डालेंगे ना तो वो जाके जिस भी बर्तन में रखेंगे सारा मसाला नीचे हो जाएगा। एक बार आप हाथ से अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा इसको, इतने अच्छे से मिक्स हो गए ना ये, तो देखिए सारा। तो चलिए अब हमारे मखाने हो गए हैं, दोनों तरीके के मखाने तैयार हो गए। हम कैरमलाइज मखाने देख लेते कि हमारे, चेक कर लेते हैं उनको भी। देखिए ये मखाने भी लगभग हो गए हैं, हल्का सा गर्म है थोड़ा सा, और मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए ये मखाने हैं, ये देखिए चिपके हुए हैं कोई कोई, तो इनको करना क्या है, ये उठाइए ये तोड़ लीजिए, बहुत आराम से टूट जाएंगे आप। ये देखिए अब यहाँ से निकालिए, ये देखिए सारे मखानों को आप चाहें तो अलग अलग कर लीजिए। ये देखिए इस तरीके से हम सब मखाने उठाते जाएंगे साइड से, ये आराम से इजीली अलग हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। ये देखिए वैसे तो आप निकालेंगे इस तरीके से तो ये देखिए ऑटोमेटिकली अलग ज़्यादातर तो होते ही जाएंगे। इस तरीके से हम धीरे धीरे सारे मखाने हम चलिए अलग कर लेते हैं। अब दिवाली आ रही है ना फ्रेंड्स, तो आप दिवाली में ये दोनों मखाने ज़रूर बनाइएगा। आप जितना भी अच्छा मीठा रख लें, कुछ रख ले, देखिएगा जितने गेस्ट आपके घर आएंगे मीठे में मखाना ही खाना पसंद करेंगे, नमकीन में आपका एक चटपटा मखाना। इनको भी साथ में दिवाली में जो आप रखने के लिए ला रहे हैं, फ्रेंड्स आते हैं चाय के साथ, तो ये सब आप बनाइए और ज़रूर रखिए और मुझे बताइएगा। देखिएगा आप खुद ही बताएंगे कि सब लोगों ने यही ज़्यादा पसंद करा। एक तो हेल्दी रेसिपी हो गई, खाने में टेस्टी, और खाने वाला बंदा डरता नहीं है कि दिवाली के टाइम इतनी मिठाई हो रही है, इतना मीठा खा रहे हैं हम लोग, इतना तला खा रहे हैं। फेस्टिव सीज़न है, आपको पता ही है हम लोगों के घरों में इस समय बस चीज़ें बननी स्टार्ट हो जाती हैं अच्छी अच्छी। चलिए इसको हम सभी इसी तरीके से हम सारा अलग कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड सारे मखाने, ये देखिए आप अच्छे से अलग हो गए हैं सारे मखाने। ये देखिए फ्रेंड्स आप ये कितने अच्छे से, कितने बढ़िया, आप एक खा के देखेंगे ना
इतने क्रिस्पी बने क्योंकि हमने मखानों को ऑलरेडी पहले भून चुके हैं, उसके ऊपर जो तेल लगा हुआ है सिसमे सीड वो इतना क्रिस्पीनेस को बढ़ा देता है इसका, इतना अच्छा लगता है ना मीठा खाने में। आप वैसे भी घर में आपको मीठे की क्रेविंग हो रही है, आपको मीठा ज़्यादा नहीं खाना है, हेल्दी खाना है, तो आप ये घर में बना के हमेशा ही रख सकते हैं। और विंटर सीजन आ रहा है इस समय तो ये मखाने वैसे भी हेल्दी होंगे। गुड़ बहुत फ़ायदा करता है विंटर्स में बच्चों को सबको। तो चलिए ये दोनों चीज़ें आप ट्राई करिए और मैं दोनों ये चीज़ें सर्व कर देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मेरा कैरमलाइज मखाना और चिली मिंट मखाना बिल्कुल खाने के लिए रेडी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करिएगा और आप ये रेसिपी बना के भी ज़रूर देखिएगा। अगर अच्छी बनी तो मुझे बताइएगा ज़रूर। और दिवाली आ रही है, आप सबको पता है जैसे, तो आप ये दोनों मखाने बना के रखिए और एयर टाइट डब्बे में रखिएगा तो ये आपका बहुत लंबे समय तक चल जाता है। और देखिएगा आपके सभी गेस्ट को ये बहुत अच्छे लगेंगे। तो चलिए आप इसको बनाइए और अगर अच्छा लगे मेरा वीडियो या मेरी रेसिपी तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो वो भी कर लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।